जनाब आज मैं गई थी ARY ऑडिशन देने मेकअप के, और ये है उनकी लोकेशन। इतना सारा रास्ता चल के जाना पड़ता है, पार्किंग अलाउड नहीं है। सिर्फ इनके सेलिब्रिटीज़ और जो भी एक्टर्स वगैरह हैं उनको अलाउड है, हम लोगों को अलाउड नहीं थी। हम सब बाहर खड़ी करके और फिर अंदर गए थे। अंदर क्या हुआ थोड़ा थोड़ा आपको वॉइस ओवर में बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा आप लोग खुद सुन लें, बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में। खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए, ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो ऑडिशन के लिए जाना, ऑडिशन के लिए जाना। अंदर वो चेकिंग। तो जी यहाँ हम लोग चेकिंग के लिए अंदर चले गए थे, और फिर हम लोग ये आप लोग मेन गेट देख रहे होंगे, फिर इस गेट से एंटर होके और ये सामने आ गई ARY की बिल्डिंग। सामने से ऐसी खस्ता हालत में, पता नहीं क्यों कलर वलर नहीं करवाया। अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है, जो इनका अपना स्टूडियो वगैरह है वो अच्छा बना हुआ है, बाकी बिल्डिंग तो अल्लाह ही जाने क्यों ऐसी रखी है। खैर अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो आप लोगों को सलाम करना ही भूल गई। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सब तो खुश बाश रखे। और जी आज बहुत मज़ा आया, मैं गई थी मेकअप के ऑडिशन के लिए और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं ऑडिशन जीत कर भी आई हूँ। इतनी सारी ब्यूटिशंस और बड़ी बड़ी जगहों से ब्यूटिशंस आई थी, उनके बीच में माशाल्लाह मैं जीत कर आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, ये सब आप लोगों की दुआएँ ही हैं। तो थोड़ा थोड़ा सुन भी लीजिए कि मैंने वहाँ कैसे कैसे सबसे बातचीत की। मॉर्निंग शो का अच्छा अच्छा अच्छी लग रही है। थैंक यू। क्या था मतलब कंपटीशन था जी? अच्छा अच्छा, मैं तो ऐसे ही छोटे कंपटीशन सेमली मां को ऑडिशन के लिए आप सीधा चले जाइए, वो मास के लिए गए हैं। खुला क्या है बेटा, आवाज आ रही है। ऑडिशन के लिए जी? किस चीज़ की ऑडिशन? यही मेकअप के लिए। अच्छा, पता नहीं क्या है, कुछ क्या है मतलब, कोई आज क्या था, कंपटीशन था या जस्ट टास्क? नहीं, मुझे भी बोल रहे थे, आई थिंक मेकअप का कंपटीशन तो जी मैंने किया। तो जी यहाँ हम लोग जा रहे थे मेकअप रूम में, जहाँ पर जो इनका मेन मेकअप रूम है, ARY का जो सेट है, मतलब कि जहाँ पर हम जो ड्रामास वगैरह देखते हैं वहाँ के ड्रामे में जो एक्ट्रेस वगैरह सेलिब्रिटीज़ जो भी आती हैं वो इस ही मेकअप रूम में तैयार होती हैं। और ये पूरा हॉल टाइप का मेकअप रूम था, और यहाँ बहुत सारे ब्यूटिशियंस आए हुए थे। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, सारा कॉरिडोर था और आगे से जाके लेफ़्ट पे जाना था, वहाँ ये रूम था। और यहाँ मुख्तलिफ़ फ्रेम्स वगैरह भी लगी हुई थी, तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि देखिए बाहर से ये इस तरह का, अंदर बड़ा प्यारा जो सेटअप वगैरह इनका है, जो निदा का स्टूडियो है सेटअप है वो भी बड़ा प्यारा है। और जी ये आ गया मेकअप रूम, और यहाँ बस अब हम लोग एंटर होने लगे हैं। और मोबाइल ना पता नहीं अलाउ था नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैंने मोबाइल इस तरह पकड़ा है और इसीलिए ऐसी हिल जुल वाली वीडियो बनी है। अब आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा। और ये था इनका मेकअप रूम, और बड़ी चहल पहल थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब हर बंदा बिजी है। और सारी इतनी सारी चेयर्स थी, सारी ब्यूटिशियंस काम में लगी हुई थी। और पता नहीं मेरे फ़ोन के कैमरे को क्या हो गया, यहाँ पर स्क्रीन पे नहीं आना था ना, तो इसलिए मॉडल ने आना राज़ी हो गई, वरना स्क्रीन पे अगर आने का होता तो शायद ये मॉडल मेरे साथ नहीं आती। और अभी भी मुझे नहीं पता कि कब है, मुझे कब बुलाएंगे ऑडिशन में। मैं सेलेक्ट हो गई हूँ माशाल्लाह, मेरा काम उन्होंने पसंद किया है, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। अब उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक में जो है हम आपको बुलाएंगे, आपको कॉल आ जाएगी ARY की तरफ से। तो अब देखें कब की डेट मुझे मिलती है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और फिर जब जाऊंगी तो आपको बता के जाऊंगी, तो आप लोग मुझे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि देखें ये ब्यूटिशियंस अपने काम में लगी हुई थी। और बस जी ये था आज का दिन, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इस तरह के मौके ना हाथ से छोड़ने नहीं चाहिए, ज़रा एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है और मेमोरीज आप कैप्चर कर लेते हैं। और बड़ी बात यह कि आप सेलिब्रिटीज़ से मिलने का आपको मौका मिल जाता है। वहाँ मैंने 2-3 सेलिब्रिटीज़ को देखा, टिकटॉकर्स को देखा, वहाँ पर पता नहीं इंटरव्यू के लिए आए हुए थे क्या,
तो अच्छा जाते हुए देखा, मतलब कार में वो जा रहे थे, कोई शूट वूट शायद उनका ख़त्म हुआ होगा तो वो जा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पिक्चर या खिंचवाऊँ ना। और दानिश भी मना कर रहे थे, कह रहे क्या यार ऑकवर्ड लगता है कि बोलो हाँ हमारे दानी आपके कुआरी हो था। अच्छा एक्सपीरियंस मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस, आप लोग बताइएगा। और यहाँ देखिए मैं इतना ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे पहले मेरा नाम ही कॉल किया था कि सबा दानिश कौन है, मैंने कहा मैं हूँ, जी आप सिलेक्टेड हैं। और बाकी ब्यूटिशियंस को कहा था कि अभी हम आपको जवाब देंगे। अल्लाह पाक आप सबको शाद रखे, आबाद रखे।